टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 के मुकाबले शुरू होने में महज थोड़ा सा वक्त बचा है। फर्स्ट राउंड से कुल 4 टीम्स को सुपर 12 में जाना है। गुरुवार 20 सितंबर को ये स्थिति साफ हो गई है कि सुपर 12 ग्रुप्स में पहुंचने वाली 4 में से 2 टीम्स कौन सी होंगी। फर्स्ट राउंड के ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर गई है। शुक्रवार के दिन पहले श्रीलंका ने नीदरलैंड को हराकर सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया। फिर यूएई ने नामीबिया को हराकर नीदरलैंड का रास्ता साफ कर दिया। इन दोनों टीम्स के सुपर 12 में पहुंचने से ये भी साफ हो गया है कि भारत के ग्रुप में फर्स्ट राउंड से आने वाली 2 में से 1 टीम कौन सी होगी। श्रीलंका के फर्स्ट राउंड के ग्रुप ए में टॉप करने से वो सुपर 12 के ग्रुप 1 में पहुंच गई है, जहां उनका मुकाबला अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और फर्स्ट राउंड के ग्रुप बी से आने वाली टीम से होने वाला है। दूसरी तरफ भारत के ग्रुप में फर्स्ट राउंड से नीदरलैंड की एंट्री हुई है। सुपर 12 के ग्रुप 2 में नीदरलैंड की टीम, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और फर्स्ट राउंड के ग्रुप बी से आने वाली टीम से मैच खेलेगी। 27 अक्टूबर को भारत का मैच फर्स्ट राउंड से आने वाली टीम से होना है। अब ये साफ हो गया है कि ये मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। अब मैच में क्या हुआ ये बताते चलते हैं। यूएई वर्सेस नामीबिया। यूएई ने इस मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। टीम के लिए मोहम्मद वसीम, कप्तान रिजवान और बसील हमीद ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वसीम ने 41 बॉल पर 50 जड़ा, रिजवान ने 29 बॉल पर 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इन दोनों के बाद बसील हमीद ने 14 बॉल पर 25 रन ठोक यूएई को 148 रन तक पहुंचा दिया। 148 रन के जवाब में नामीबिया की मुश्किलें शुरुआत से ही शुरू हो गई। ओपनर्स माइकल वॉन लिंगेन नहीं चले, स्टीफन बार्ड को भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। पूरी बैटिंग मुश्किल में थी, तब नामीबिया को जीत के पास ले गए डेविड वाइजे। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर वाइजे 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए। उन्होंने 36 बॉल पर 55 रन की पारी खेली, लेकिन वो और ट्रेम्पलमान इस लकीर को पार नहीं कर सके। नामीबिया की टीम इस मैच को 7 रन से गवा बैठी। इसके अलावा श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला हुआ। ये दिन का पहला मुकाबला था। श्रीलंका ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 162 रन बनाए। उनके लिए बल्ले से कुशल मेंडिस ने 79 रन की पारी खेली। 162 रन का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में 146 रन ही बना सकी। उनके लिए ओपनर मैक्स ने आखिर तक उम्मीद जगाए रखी और शानदार 71 रन बनाए, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। हालांकि अब दोनों ही ये टीम्स अगले राउंड में पहुंच गई हैं। वहां पर देखना होगा कि ये कैसा प्रदर्शन करती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। और जाने से पहले एक जरूरी सूचना, टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है और उसकी लाइव कवरेज आपको लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलेगी। आप दी लल्लन टॉप पे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और टी20 वर्ल्ड कप में भारी भरकम बहुत शानदार तरीके से हम उसको कवर करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।